विद्यार्थी मित्रों, यूनिट 10 जीने की कला एपिसोड 3 वो हम आगे आज देख रहे हैं कि हमारा जीवन है एक शिक्षा पर है जिसमें हजारों प्रतिबिंब पड़ते हैं। हजारों प्रतिबिंब में अगर जिसके चेहरे पर जो छाया आ गई तो हजारों लोगों के चेहरे पर छाया आ जाएगी। मतलब शिक्षा पर मतलब हमारा जीवन ऐसा है कि जिसका प्रतिबिंब दूसरों पर पड़ता है तो हम मैं हूँ, मेरे घर वाले हो, आप हो, आपके घर वाले हो, तो हरेक की सुख दुख की प्रतिबिंब दूसरों पर पड़ती है। हमारे घर में हमारे माता पिता दुखी है तो बच्चे दुखी होंगे, बच्चे दुखी है तो माता पिता दुखी होंगे, सब सुखी होंगे तो सब पर सुख की छाया पड़ेगी। तो इसी तरह हमारा जीवन है एक शिक्षा करे। इसीलिए हम में से किसी आदमी की जो जिंदगी है, हम में से किसी आदमी की जिंदगी ये हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, क्योंकि हमारे दुख सुख की अचर असर है तो दूसरों पर जाती है। इसीलिए हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। पूर्ण संग्रह का अंश मतलब हमारे में जो आता है वो दूसरे में आता है, इसीलिए हम पूर्ण संग्रह का अंश है। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं हम दूसरों का भी इसमें भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे हो। मानो कि कैसे कि आप खुश हो लेकिन आपके चारों तरफ के चेहरे उदास है। हाँ, हम कोई खेल में हमने भाग लिया है, आप नंबर 1 आए तो आपके चेहरे पर खुशी है, लेकिन जो नहीं आए, जो हार गए, उसके चेहरे पर तो दुख होगा, तो आप अपनी खुशी कैसे व्यक्त कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ हरेक व्यक्ति का जीवन वो अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, दूसरों की सब। जब हम खुश रहते हैं, जब दूसरों को हम खुश देखते हैं, दूसरे खुश हैं तो हम खुश हो सकते हैं। मतलब परस्परस खुशी जरूरी है। इसीलिए यह अजीब बात है, लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन एक अजीब बात यहाँ बताई है लेखक ने कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तो हमारा धर्म ऐसा पता चाहता है कि किसी के जीवन में दुख ना आए, सभी हमारे फिलॉसफी मतलब दार्शनिक जो होते हैं हमको बताते हैं तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ऐसे कैसे हो सब, हमारे फिलॉसफर जो बात करते हैं हमको कोई भी हमारी समस्या हो पर वो हमारे हमको सुनाकर प्रवचन सुनाकर हमको सिखाते हैं अच्छी तरह जीवो। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार, वो सब सदाचार मतलब कोई भी बुरी बात मत करो, किसी को दान करो, किसी को मदद करो, वो सब अच्छे काम। ये तीन बातें बताई, धर्म, फिलॉसफी और सदाचार, वो तीनों ने हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य ज्यादा ही ज्यादा उसमें फंसता गया धर्म, फिलॉसफी और सदाचार में। इसीलिए संपूर्णतः वो जो धर्म वाले, फिलॉसफी वाले, वो जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई धर्म और सदाचार और फिलॉसफी ने संपूर्ण दुनिया को सुखमय कर दिए। नहीं, धर्म के नाम से तो अभी कितने दंगे हो रहे हैं। आप हम सब देख रहे हैं कि भाई एक धर्म दूसरे धर्म में नहीं मानता और धर्म के लिए झगड़ते हैं, बहुत सारा होता है हमारे समाज में वो दिख रहे हैं। तो धर्म ने जो हमारे जीवन को सही बनाने का प्रयत्न किया वो हुआ नहीं, वो समस्या उनसे हल नहीं हुई। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा ऊंचा दिल और सुखा चेहरा लेकर फिरेगा उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी होगा। समझ लेना, कोई व्यक्ति का चेहरा ज्यादा ऊंचा हुआ है, मूर्छा हुआ है, तो वो ज्यादा धर्म में मानता है, ज्यादा फिलोसॉफी में मानता है, क्योंकि उनमें वो फंस गया है। सही क्या है, हमारी प्रकृति क्या होनी चाहिए वो समझता नहीं, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से सब खुश हो, नहीं। वो धर्म का जो एक अपने दिमाग में जो विचार चल रहा है उसी तरह से दूसरे लोगों को देखना चाहता है। इसलिए जो लोग बुझे चेहरे वाले होते हैं, उदास चेहरे वाले होते हैं, वो ज्यादा धार्मिक और ज्यादा फिलोसफर और ज्यादा सदाचारी होते हैं।
ऐसा लेखक मानते हैं। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा पवित्रता है, वो लेखक मानते हैं कि उसका जीवन ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो उसमें डूबता जाता है, धर्म के अंदर ज्यादा मानता जाता है। तो क्या करूँ, वो फल नहीं मिलता, खुश रहने की कोई चाबी नहीं मिलती उसको। तो इसीलिए जो ज्यादा धार्मिक है, ज्यादा धर्म में मानता है, फिलोसॉफी में मानता है, सदाचार में मानता है, वो उदास रहता है, क्योंकि उसकी जड़ तक वो नहीं जा पाता। इसीलिए दुख के वो जो दुख है वो महसूस करता है। यह माना कि जिन बुद्धियों को दुनिया ने सैकड़ों वर्षों में सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी छक्के के चार शब्दों से हल नहीं कर सकेंगे। अभी आप मानते हैं कि हम धर्म सदाचारी बने तो भी तो दुख मिलता है, तो क्या हंसी ठट्टे से खुश रहने से क्या जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी? ऐसा भी हम नहीं कह सकते, पूरी तरह नहीं कह सकते, हंसी ठट्टे से नहीं। लेकिन ये बात इतनी गलत भी नहीं है कि हंसी खुशी से जीवन अच्छा चलता है, वो बात इतनी गलत भी नहीं। दो बात बताए, जीवन को हमें सही कैसे बनाना है? तो धर्म लाए हमारे जीवन में, सदाचार लाए और फिलोसॉफी लाए। लेकिन आगे जाके देखो, मैंने ऐसा बोला, जो ये तीन बातों को अनुचरण करता है, उनको अनुसरता है, वो ज्यादा उनके उनमें डूब कर और भी दुखी होता है। तो वो तीन तो जीवन जीने की चाबी थी, फिर उनसे खुशी नहीं मिली, तो क्या हम हंसी खुशी हंसी ठट्ठे दो चार मिनट की गप्पे से हम सुखी हो जाएंगे? ये भी तो हम नहीं मान सकते, लेकिन उनको नकार भी नहीं सकते। आप घर में हंसी खुशी से रहो, पूरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसे आपको आदत हो जाएगी तो अच्छा तो होगा ही। कभी कभी दूसरी बातों का प्रभाव हमें आता है तो भूलते हैं कि हंसी ठट्ठों से हम कहीं सभी बातें हल नहीं कर सकते। मगर यह मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती मतलब जो हंसी खुशी हम बात करते हैं घर में, सब मजाक करते हैं फैमिली में, तो वही घड़ी तो हमारी अच्छी ही जाती है, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। और कवि ने और लेखक ने हमें बताया कि भाई ये बात हमें मानती है, एक वक्त एक साधु एक फिलोसॉफर का सूखा चेहरा बनाकर हमने इस चित्र में नहीं खप सकते। भाई के हम जो भी दुनिया में आए हैं, तो ये जो चित्र बताया ना कि वे सदाचार में रहो धर्म में रहो तो भी आप उदास रहते, तो हम तो इस चित्र में रहने वाले नहीं है, तो क्या करना है? उन्होंने बताया कि भगवान विश्व का निर्माण करने वाला भगवान है विश्वकर्मा। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं बनाई है, क्या बनाई? तो सूरज का चमकता हुआ चेहरा बनाया। सूरज का भी मोजा हुआ आपको दिखे तो अच्छा नहीं लगता, सूरज का चमकता हुआ मस्तक है, सूरज तो पूरा चमकता हुआ, तो हम में से क्या लेना? तो हम भी हमारा चेहरा सूरज की तरफ चमकता हुआ रखे। दूसरे बनाया चांद का हंसता हुआ चेहरा, चांद का हुआ चेहरा बनाकर हम भी जैसे भगवान ने चांद को हंसता हुआ बनाया, चांद का हंसता हुआ चेहरा, इस तरह हम भी हंसे बराबर, हम भी मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराते रहे, जो स्माइली आप देते हैं हम भी मुस्कुराते रहे, हम भी चांद की तरह हंसते रहे, सूरज की तरह चमकते रहे। तारों की जलमलाती हुई आंखें, जलमलाती मतलब चमकती, हम स्टार करते हैं ना तो स्टार ऐसे चमक चमक करते हैं, तो हम भी हमारी आंखों को खुशी से चमकाते रहे, हमारी आंखों को खुशी से चमकाते रहे। पेड़ों के रुके और पक्षियों का गाल, पेड़ कभी आपको निराश में देखे नहीं, वो धूप में पड़े रहते हैं फिर भी आपको छांव देते हैं, वो बारिश में पड़े रहते हैं तो
पंछियों का संगीत सुनता है, हम खुश हो रहे थे, इसी तरह हमें खुश रहना है। बहते हुए पानी की तरह है, बहते हुए पानी कभी आपको उदासी नहीं, वो बहता जाता है। कुछ ऐसे पत्थर आ जाए, कुछ गाड़े आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कभी आपका प्रवाह बंद नहीं करता। तो आप खुश रहे, आपका जो खुश रहने का प्रवाह है कभी बंद न हो। खिलते हुए फूलों की तरह आप भी हमेशा खिलते रहे। तो विश्वकर्मा की जो बनाई हुई चीजें हैं, वही आपको उपदेश देती है कि इसी तरह आप रहो, वही तो सही जीवन जीने की कला है। वो बड़ा प्रश्न है, आपको ये 3 मार्क्स में आएगा। विश्वकर्मा ने हमारे जीवन अच्छे जीने के लिए कौन सी रचनाएं की? तो वो सब रचनाएं की, उसमें से हम सूरज की तरह चमके, चांद की तरह बसे, तारों की तरह हमारी आंखें जगमगाए, पेड़ों की तरह हम अच्छी तरह से बढ़ते हुए पानी की तरह भी कभी नाखुश नहीं होती। तो हम भी कभी उदास न रहे और गिरते हुए फूलों की तरह हमारा जीवन महकता रहे, वही तो जीवन जीने की सही कला है। हमारा यूनिट में है वो वहाँ पूरा होता है। स्वाध्याय लिखना है, स्वाध्याय में जो कर्तृवाचक संज्ञा विशेषण भाववाचक संज्ञा आदि है, वही हमारा ग्रामर है, वही अच्छी तरह से स्वाध्याय का भी तैयार करना है। थैंक्स।